आपको बता दें कि अभी अभी एक दुखद खबर आई है जिसका खुलासा अब हुआ है। जैसा कि सबको पता ही है, हाल ही में बॉलीवुड ने एक महान सितारा खो दिया। फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा श्री देवी का निधन हो गया, जिसके बाद पूरा देश इस गम में ही पूरी तरह से डूब गया। लेकिन क्या आपको पता है, इसी दिन हमारे देश की नहीं बल्कि किसी मुस्लिम देश की एक जनी मानी एक्ट्रेस का दिन दहाड़े घर में घुसकर कत्ल कर दिया। ये पोस्ट अब तक किसी के पास नहीं है। ये खबर हम लाए हैं खास तौर पर आपके लिए। जी हाँ, इस अदाकारा को आप भी जानते हैं, मगर क्या किसी ने सोचा था कि इस एक ट्रेस का कत्ल इतनी बुरी तरीके से होगा? शायद नहीं। खैर, आइए हम बताते हैं इस खुलासे के पीछे की वजह। एक, कई एल्बम में किया है काम। आपको बता दें कि कई एल्बम में इस एक ट्रेस ने काम किया है जो कि सुपरहिट गई है। ऐसी सिर्फ एक एल्बम नहीं है बल्कि अपने देश की सुपरस्टार्स में इनका नाम आता है। जी हाँ, इनका नाम सुंबुल खान। सुंबुल खान मुस्लिम देश की एक ट्रेस है जो कि बेहद खूबसूरत थी, मगर उस रात तीन युवकों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। दो, घर में घुसकर चलाई गोलियां। आपको बता दें कि सुंबुल रोजाना की तरह शूटिंग खत्म करने के बाद अपने घर पहुंची, जहां उन्होंने कुछ देर आराम किया कि इतने में ही अचानक से कुछ लोग कमरे में घुसे और उन्हें कहीं ले जाने की जिद करने लगे। लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो उन युवकों को ये बात इतनी नागवारा गुजरी कि उन सभी ने मिलकर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। तीन, प्राइवेट पार्टी में कराना चाहते थे डांस। आपको बता दें कि ये युवक सुंबुल खान के घर में ना जाने कैसे घुस गए, क्योंकि पहले ही उनके घर में काफी सुरक्षा गार्ड तैनात थे। बावजूद उसके चार युवक उनके घर के अंदर आए और उन्हें प्राइवेट पार्टी में डांस में ले जाने की जिद करने लगे, जिस बात पर कई बार सुंबुल ने मना किया मगर वो युवक नहीं माने, जिसके बाद सुंबुल ने उन्हें घर से बाहर जाने को कहा। चार, ताबड़तोड़ मारी 11 गोलियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सुंबुल ने जाने से मना कर दिया तो बदमाशों ने उन पर बिना रुके 11 गोलियां मारी, जिसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ये युवक इतनी आसानी से पूरी वारदात करके चले गए। पाँच, पुलिस ने समझा मामला। आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस ने पूरा मामला समझा और मीडिया को जानकारी दी। हुआ कुछ यूं कि पुलिस का ऐसा मानना है कि ये युवक पहले से ही सुंबुल को जानते थे और इस वजह से ही घर में आसानी से घुस पाए, जिसके बाद सुंबुल ने इनके साथ बैठकर शराब भी पी। थोड़ी देर बाद एक प्राइवेट पार्टी में डांस करने की बात को लेकर दोनों के बीच कुछ बहस हुई और उसके बाद युवकों ने गोलियां चला दी और मौके पर ही सुंबुल की मौत हो गई।